दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए अभी आप ही बताइए। यहाँ पर ये लड़की ठेले वाले भाई के पास आती है और पूछती है कि भैया आप रोज रोज ये फूल बेच के महीना का कितना कमा लेते हो। तो ये भैया भी कह देते हैं 8,000 रुपए। फिर ये लड़की कहती है कि भैया मेरे यहाँ काम करो, मैं आपको महीने के 25,000 रुपए देने को तैयार हूँ। तो फिर ये भैया भी कहता है कि ठीक है मैडम, मैं भी तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर ये भैया भी अगले ही दिन ऑफिस में आ जाता है और अपने ये सारे कागजात इस मैडम को दे देता है। फिर ये मैडम कहती है कि आप इस एग्रीमेंट पर साइन करो। तो ये भैया पूछता है कि मैडम इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैडम कहती है कि इस कंपनी में जो काम करता है उनको यहाँ पर साइन करना ही पड़ता है। तो ये भैया भी साइन कर देता है, लेकिन आगे जो हुआ वो जानने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो। फिर ये लड़की उस भैया को बुलाती है और कहती है कि जब से आपने ये कंपनी ज्वाइन करी है तब से आपने एक भी क्लाइंट नहीं लाया, सारा काम मैं ही करती रहूँ तो फिर आप किस बात के पार्टनर हो। और ये कहकर उसे नौकरी से निकाल देती है। और उस एग्रीमेंट पेपर पर भी लिखा था कि आप अभी कुछ भी धंधा नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।